तो गाइस सबसे फिर से स्वागत है मेरे अंदर ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस आज संडे है, तो संडे मथुरापुर का बाजार है जहाँ पे हम लोग जिस और थाने में रहते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे बाजार है। तो चलिए बाजार दिखाता हूँ आप लोगों को, और मेरे साथ गुरुजी भी गए हुए हैं। ये आज पूरा बारिश हुआ है, इधर बारिश है तो पूरा गंदा गंदा है रास्ता, पैदल आए हुए। ठीक है, तो सामने एकदम हमारा और थाने का सामने ही है, तो हम लोग जा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये वाला देखने को मिलेगा। यस, यही है मेरे पास जो आ रहे हैं गुरु जी। तो चलिए पीछे कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ सैंडल का दुकान, उसके बाद आप लोगों को राइट साइड में देखने को मिलेगा फर्नीचर का दुकान है, उसके बाद यहाँ पे हरी साग सब्जी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और आगे भी दिखाऊंगा, आगे तो और भी बड़ा दुकान है। ये साइड में रोड के साइड में लगा हुआ है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ है। ये राइट साइड में भी थोड़ा थोड़ा है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, पूरा हरी साग सब्जी और कोल यहाँ पे, उसके बाद फल फ्रूट सब देख सकते हैं इधर। और थोड़ा ये कपड़ा का दुकान भी है, और बारिश देने से तो पूरा गीला गीला हो गया मिट्टी। तो थोड़ा आगे तो ये पौधा का दुकान है, उसके बाद इधर मछली, छोटा वाला मछली लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका, उसके बाद ये बड़ा वाला मछली, उसके बाद ये बेम्बो से बना हुआ फल फ्रूट का भी दुकान है, उसके बाद बर्तन का, सैंडल का दुकान बहुत बड़ा लगता है इधर बाज़ार जो है। इधर साग सब्जी का जो लगा सकते हैं घर में, छोटा छोटा पौधा, उसके बाद ये नेकलेस वगैरह क्या क्या चाहिए सब कुछ, बेल्ट वगैरह, कपड़ा वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और ये स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद ये मिट्टी का सामान वगैरह, उसके बाद आप लोगों को फल फ्रूट देखने को मिलेगा, और सब्जी स्टार्ट हो गया अभी। आप लोगों को यहाँ पे बर्तन थोड़ा देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा आगे जाके आप लोगों को सब्जी का पूरा दुकान देखने को मिलेगा। अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा ये जो है दिखाते चला जाऊँगा, आप लोग देखते रहिए। तो ये पूरा सब्जी देख सकते हैं इधर, और ये जो बंदा गोभी है गाइस पर केजी 10 रुपीज़। तो यह बाज़ार में सस्ता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल मार्केट में 30 रुपये 40 रुपये है, बाज़ार में सस्ता सा मिलता है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे सब पिक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये हो गया, उसके बाद कपड़ा की तरफ दिखाता हूँ अब। कपड़ा मार्केट थोड़ा अलग साइड में है, यह कपड़ा मार्केट आ गया। तो यहाँ पर लेडीज़ का, जेंट्स का ए टू जेड मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा आप लोगों को बैग वगैरह चाहिए वो भी है इधर, सब सामान मिलेगा आप लोगों को, सैंडल वगैरह सब कुछ। अब फिर से वो कपड़ा का उधर हो गया, अब इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा का पूरा साग सब्जी का दुकान। उसके बाद ये टेम्पर है जो कि 50 रुपया, और उसके बाद कवर भी मिलेगा उसमें 100 रुपीज़ 50 रुपये। और ये सब्जी, हरा सब्जी, बैंगन, आलू, और जो ये देख रहे हैं ना गाइस सब कुछ पूरा हरा सब्जी से भरा हुआ है इधर, राइट लेफ्ट जहाँ भी देखोगे आप लोग देखने को मिलेगा। धनिया पुदीना सब कुछ है यहाँ पे, गाजर साजर सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पंपकिन से बाउंड्री देख सकते हैं, सब्जी का बाउंड्री फिर से दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से सब्जी का बाउंड्री बना के रखा हुआ है देख सकते हैं। तो ये हरा सब्जी का डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद थोड़ा आगे जाने से आप लोगों को ये पिक का मीट मिलेगा, उसके बाद थोड़ा आगे दिखाऊंगा उधर बॉयलर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। भैया के दुकान पे पहुंच गया, और एक आईना लिया जो पहले था वो टूट गया था, सो ये आईना 20 रुपये में लिया। उसके बाद भैया को 20 रुपये दे के हम लोग फल के दुकान में चले गए। तो फल के दुकान में अंगूर पूछा तो 250 ग्राम 40 रुपये में लेके वो अंगूर भी लेके चले गए। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग क्या क्या मिलेगा बाज़ार में।
तो ये कल का फूल जो होता है इसे हम लोगों ने दो ख़रीदा, 10-10 रुपये में 20 रुपये में। उसके बाद ख़रीदने के बाद हम लोग यहाँ से चले गए लेके दो। उसके बाद आगे क्या क्या ख़रीदा वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। उसके बाद ये जो पहले ख़रीदा था, अच्छा लास्ट में मछली ख़रीदने गए, जो मछली चार, हम लोग चार रहते हैं रूम में, सो चार के लिए चार मछली लेंगे, जितना भी ग्राम होगा सब पैसा दे देंगे हम लोग। तो चार मछली हम लोगों ने दिया था, तो 70 रुपये में 4 मछली लिया। उसके बाद आलू लिया 3 kg 50 रुपये में, और दुकानदार डर रहा था, मुँह पूरा ढक लिया डर से। तो बाज़ार से क्या क्या ख़रीदे वो देख सकते हैं, धनिया, आलू, सजना, प्याज, 5 फोरन, ठीक है, रूम में पहुँच गया था तो देख सकते हैं। उसके बाद टोमेटो, करेला और कोलडिल बोलते हैं जो कि कोलफूल है, ठीक है। उसके बाद मछली। अगर ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस।